हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम एक एक्टिविटी के जरिए फेजेस ऑफ द मून को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। ओके, तो वेल चलिए, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बिल्कुल अर्थ पर आपका ये व्यूइंग पोजीशन है, सन बिल्कुल जो है राइट में काफ़ी दूर है और ये आपके मून का पोजीशन हुआ, राइट। तो यहाँ पर जो है हम जैसे जैसे जो है मून जैसे जैसे अर्थ का चक्कर लगाएगा, राइट, उस हिसाब से जो है इसके व्यूइंग में जो बदलाव होगा, हमें इसके दिखने वाले शेप में जो बदलाव होगा उसको हम ऑब्जर्व करेंगे और उसका क्या नाम होता है वो भी हम लोग सीखेंगे इस लेसन में। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, राइट हैंड साइड में आपको जो है मून का शेप विजिबल होना जो है वो शुरू हो गया होगा, राइट। इससे पहले हमें मून क्यों नहीं विजिबल था, क्योंकि मून जो है वो सन और अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच था, तो सन की लाइट जो है वो मून के उस जिस हिस्से पर पड़ रही थी वो अवे फेसिंग हिस्सा था और इसीलिए जो है वो हमें दिख नहीं रहा था, और बाकी हिस्सा जो है वो डार्क था इसलिए मून हमें बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था। लेकिन जैसे जैसे देखिए, अब मून साइड की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे ये विजिबल होना शुरू हुआ। दिस इज वैक्सिंग क्रेसेंट, आप यहां पर जो है डेज आवर्स और मिनट्स भी चेक कर सकते हैं। वैक्सिंग गिबस, नाउ वी आर ऑब्जर्विंग ए फुल मून। वेनिंग गिबस, क्योंकि ये घट रहा है, वेनिंग मतलब घटना, और जब आधे से भी कम हो जाएगा और घटता रहेगा तब क्या हो जाएगा, ये वेनिंग। थर्ड क्वार्टर वेनिंग क्रेसेंट, राइट। न्यू मून जहां पर कि आपको कुछ नहीं दिखता है, अमावस्या जिसे कहते हैं हम। तो वेल स्टूडेंट्स, आई थिंक आफ्टर वॉचिंग दिस स्मॉल सिमुलेशन आपको जो है फेजेज ऑफ द मून बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आप तो ये पहले से जानते हैं कि मून जो है उसकी अपनी खुद की कोई लाइट नहीं है, तो ऐसे में मून जो है वो भी सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है और जो रिफ्लेक्टेड लाइट हमें दिखती है बस वही हमें शेप नज़र आता है, राइट। और यही वजह होती है कि जब मून जो है वो बिल्कुल सन और अर्थ के बीच में हो और ऐसे में जो है उसका जो हिस्सा जो सन की लाइट में है वो हमसे दूर अवे फेसिंग हो, तो ऐसे में हमें मून नहीं दिखेगा। दैट इज व्हाट वी कॉल यू नो लाइक न्यू मून, जहाँ पर कि हमें मून बिल्कुल विजिबल नहीं होता है। लेकिन वही जब धीरे धीरे जो है इस पोजीशन से जो है ये मूव करता है दूर की तरफ, तो फिर हमें वो धीरे धीरे दिखने लगता है। एंड अराउंड दिस ये वाला पॉइंट जो होगा इसी टाइम पर आकर जो है आपको फुल मून दिखाई देगा, और यही वो टाइम है जहाँ पर कि अर्थ का शैडो भी जो है वो मून को कवर कर सकता है, इसीलिए जो है पूर्णिमा के टाइम में ही जो है हमें एक्लिप्सेस भी दिखाई देते हैं। ऑलराइट, नाउ वी विल पॉज द वीडियो हियर एंड यू विल हैव सम क्वेश्चंस टू आंसर। तो वेल बच्चों, मैं स्क्रीन को स्क्रॉल करूंगा और आप जो है वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करिएगा।
Now, if you have answered all these questions, now you can compare your answers. अपने answers को आप compare करके देख सकते हैं. The answer for the first question is wrong actually. This will be a new moon because sun east side में है और this is full moon actually. क्योंकि ये जो है moon का जो illuminated हिस्सा है वो earth से बिल्कुल जो है दिखाई दे रहा है अभी, right? Because it is reflecting the sun's light completely. So it will be a full moon. Now you can compare the answers for question 2. अगर आपने सही पिक किया है आंसर तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप जो है एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ सकते हैं. सो वेल बच्चों, आई होप कि आफ्टर दिस एक्टिविटी आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है फेज ऑफ द मून की वो और बेहतर हो गई होगी. सो लेट्स एंड द सेशन हियर. थैंक यू.